नमस्ते, स्वागत है आपका buddha.org में। मैं हूं आचार्य सिद्धार्थ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय और गूढ़ ज्ञान के बारे में जिसे कबाला कहते हैं। कबाला यहूदी रहस्यवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके माध्यम से हम ईश्वर और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कबाला क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। कबाला, जिसे हिब्रू में कबाला कहा जाता है, यहूदी रहस्यवाद का एक अनुशासन और विचारधारा है। इसका उद्देश्य ईश्वर और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझना है। कबाला के अनुयायी, जिन्हें मुकब्बाल कहा जाता है, मानते हैं कि ये ज्ञान हमें ईश्वर के अनंत स्वरूप और इस नश्वर संसार के बीच के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। कबाला की उत्पत्ति मध्यकालीन यहूदी धर्म में हुई थी और ये 7वीं से 18वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ। ये ज्ञान मुख्य रूप से यहूदी धर्म ग्रंथों पर आधारित है और इसे समझने के लिए गहरे ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। कबाला के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है एन सोफ का सिद्धांत, जो ईश्वर के अनंत और अपरिवर्तनीय स्वरूप को दर्शाता है। इसके अलावा कबाला में 10 सिफोरत या दिव्य गुणों की बात की जाती है, जो ईश्वर और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं। आजकल कबाला को ना केवल यहूदी धर्म में बल्कि पश्चिमी रहस्यवाद और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में भी अपनाया जा रहा है। साधक इसे ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोग करते हैं। तो ये बात थी कबाला की। अब हम एक विशेष ध्यान संगीत के माध्यम से कबाला के अनुभव को महसूस करेंगे। आपको पूरी तरह से संगीत में खो जाना है। संगीत के आनंद में जो है डूब जाना है और इस डूबने में आपके मन की मुक्ति है, आपकी मुक्ति है, आपकी स्वतंत्रता जो आपके भीतर जो है आपको खिलाएगी, जो आपको एक बुद्ध की स्थिति पे लाएगी, उसको आपको मौका देना है। इस संगीत को मौका दें ताकि आप इस पर नृत्य कर सकें, जिससे आपकी ऊर्जा और भी सकारात्मक हो जाए। इस संगीत में डूबना है और इसी संगीत को जो है ध्यान की तरह जो है अपने नृत्य में प्रवेश कर जाना है। ये एक मौका है अपनी भीतर की शांति को महसूस करने का। ये आपके मन और आत्मा के लिए एक अद्भुत अनुभव होगा।
तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस नृत्य में प्रवेश करें। चलिए शुरू करते हैं।
Yeah.
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस संगीत और नृत्य में प्रवेश किया। इस सुंदर मौके को जिया, अपने आप को जानने में, अपने आप को जानने के लिए एक और मौका दिया। तो एक बारी और आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।